जी फाइनली इन लोगों से भी मिल लिए भाई यहाँ पे, और इनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा मुझे भाई। कैसा लगा पहाड़ी? बहुत बढ़िया, हम भी पहाड़ी जा। चलिए जी, इसी के साथ होगी है फिर से एक नए दिन की शुरुआत। नए दिन की शुरुआत के साथ सबसे पहले आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं विक्की पुंडीर देवभूमि उत्तराखंड से, और भाई आज आ रखा हूँ भाई मैं चमोली गांव में, खांकर गांव में। यहाँ पे है भाई मेरे बुआ की लड़के की सगाई, क्योंकि कल शाम को ही आ गए थे भाई हम देहरादून से। और बाकी देखिए भाई आज सगाई है भाई की, कल शाम को मेहंदी हो गई थी। मेहंदी का ब्लॉग आपने देख ही लिया होगा, बट आज है मेन जिसमें कि अंगूठी पहनाई जाएगी भाई, रिंग सेरेमनी। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आज कैसा रहता है पूरा दिन, और कैसा रहता है भाई आज का फंक्शन यहाँ पे। और बाकी मौसम की बात की जाए दोस्तों, तो भाई साहब अभी करीब करीब 9 बज रही है, 9 बजे इतनी तकड़ी गर्मी लगी पड़ी है भाई यहाँ पे। जैसे देहरादून में है ना भैया 41 डिग्री चल रहा, भाई यहाँ भी पहाड़ों में भी वही हाल हो रखा है भाई। बाकी दोस्तों गांव की बात की जाए तो देखिए भाई एक मकान यहाँ पे बना है, और बाकी मतलब छांटे छांटे मकान बन रखे भाई यहाँ पे। एक मकान वहाँ पे है और एक उस साइड है, एक ये है एक ये है, मतलब टोटल मान के ये चलो यहाँ पे करीब करीब 10-15 मकान बने हैं भाई इसी पे यहाँ पे। बस मतलब छोटा सा गाँव है यहाँ पे, और काफी प्यारा गाँव है भाई। बाकी देखिए जी इधर की बात की जाए तो यहाँ पे लिख रहा है भाई न्योता, जो भी भाई शगुन का लिफाफा देता है उनको यहाँ पे डायरी में नोट किया जाता है हमारे पहाड़ों में। और उसके साथ साथ देखिए भाई यहाँ पे रखा है कुछ स्वीट जो उनको दिया जाता है भाई, जो यहाँ पे न्योता लिखवाता है। बाकी देखिए जी इधर की बात की जाए तो देखिए भाई पुराने जमाने वाला संगाड़ भाई अभी भी लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है, वरना भाई ये चीजें अब कहीं नहीं दिखाई देती है, सब पहाड़ छोड़ के चल दिए भाई। बट यहाँ पे देखिए भाई जो लोग रह रहे हैं कितने अच्छे ढंग से इन्होंने अपने मकान को सजा रखा है भाई यहाँ पे। साथ में देखिए जी यहाँ पे मधुमक्खी के लिए भी बना रखा है इन्होंने, ये देखिए भाई मधुमक्खी लगी पड़ी है भाई उसपे। कहाँ है दूसरा? ये देखो भाई एक इधर है और एक उस साइड लगा रखा है, दोनों साइड लगा रखा है। बाकी देखिए जी यहाँ पे सारे मेहमान इकट्ठे हो चुके हैं भाई, अभी उठे सो के। और ये देखिए भाई ताऊ जी भी आ गए हैं यहाँ पे, इनके कोई रिश्तेदार मिल गए हैं ये, और पूछ रहे भाई इनके बारे में। बाकी इधर की बात की जाए दोस्तों तो देखिए भाई मेहमान सुस्त पड़ गए भाई, लग रहा मुझे रात को कुछ ज्यादा ही हो गई थी भाई इन्हें तो। हाँ भाई बाकी देखिए दोस्तों यहाँ पे चल रही है भाई पूजा की तैयारी, और पंडित जी ने सारा सामान रख दिया है भाई। और यहाँ पे देखिए भाई भैया और भाभी भी पहुँच चुकी हैं भाई पूजा में बैठने के लिए, ये रहे भाई दोनों। और बाकी देखिए भाई सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे पूजा के लिए, ये है भाई इनकी बुआ। बाकी देखिए दोस्तों यहाँ पे खाना बन के रेडी हो चुका है भाई, एक में बन गए चावल और एक में बन गई दाल। अब दाल बनी है भाई तुम्हारे बड्डू में, और चावल बने हैं भाई कढ़ाई में। दाल बनी है भाई,
धन्यवाद भाई जी आपका। और बाकी इधर की बात की जाए तो इधर देखिए दोस्तों, इधर बन रही है भाई पूरियां, जो कि पूरी लेडीज लोग बना रही हैं भाई यहाँ पे सभी के लिए पूरियां। देखिए भाई हमारे उधर तो बाकी। चलिए दोस्तों फाइनली भाई पूजा भी हो चुकी है और अभी दूल्हा दुल्हन गई भाई पोटेटे खिंचवाने, तो चलते हैं हम भी एक दो पोटेट हम ही मार लेते हैं उनके साथ साथ में। बाकी देखिए जी फाइनली यहाँ पे हो रही है गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। और देखिए भाई सारी शाली लोगों ने बोला जीजा को कि यहीं पे करो हमारे सामने अनबॉक्सिंग। अब देखते हैं भाई क्या लारका सुमन भाभी भाई ने भाभी के लिए। ओ माय गॉड, ये क्या निकला भाई, वन प्लस। बाकी देखिए जी भाई रिंग सेरेमनी भी हो चुकी है यहाँ पे और दोनों भाई और भाभी अब यहाँ पे पोटेटे ले रहे हैं भाई। ये हमारे कैमरामैन भाई जी और ये भाई आप दोनों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद भाई। और कैसा लग रहा भाई आज तुम्हें, एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो आप दोनों, कुछ बोलोगे थोड़ा सा, दो शब्द यही बोलेंगे, क्या बोलोगे? धन्यवाद। भाभी ने तो बोल दिया भाई देखो धन्यवाद। बाकी भाई तुम क्या बोलोगे? धन्यवाद भाई। बस तुम भी धन्यवाद भाई। तो बाकी देखिए भाई यहाँ पे सारी साली लोग भी आ रखी है यहाँ पे पोटेटे लेने के लिए। और चलिए जी सालियों के और चलिए जी पोटेटे भी हो चुकी है और अब चलते हैं भाई खाना खाने के लिए। ये देखिए भाई गिफ्ट तो भाभी ने हाथ ही में रखा है भाई। बाकी देखिए जी सारे मेहमान लोग आ चुके हैं भाई खाना खाने के लिए और वो भी भाई नीचे बैठ के खा रहे हैं सभी लोग भाई एक साथ। बाकी देखिए दोस्तों अभी एक पेड़ की क्या वैल्यू है भाई, यहाँ पे देख सकते हो भाई कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठ रखे हैं यहाँ पे। और पेड़ पे देखिए भाई कितनी छांव मिल रही है इस पेड़ की, तो सोचिए दोस्तों पेड़ लगाना कितनी जरूरी है भैया। तो देखिए दोस्तों ये है पूरी लेडीज पार्टी चमोली वाले। गांव का नाम क्या है आपका? खांकरा। गांव के लेडीज पूरी बैठी है भाई यहाँ पे। हाँ जी अच्छा गराम खांकर जी, डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा चमोली है ना? अच्छा तो चलिए जी फाइनली इन लोगों से भी मिल लिए भाई यहाँ पे और इनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा मुझे भाई। कैसे लगा पहाड़ी? बहुत बढ़िया। हम भी पहाड़ी जा ना ना देसी देसी गवानी से हम पहाड़ी जा। और देखिए दोस्तों मकान की बात की जाए अभी भी ये वाला मकान यहाँ पे है भाई उपलब्ध। देखिए भाई डिंडाला वाला मकान, बाकी आजकल ऐसे मकान देखने को आजकल कहीं नहीं मिल रहे भाई, गांव के गांव खाली हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन देखिए दोस्तों इन्होंने अपनी संस्कृति अपनी। और बाकी देखिए अब तो लोगों ने सारे सीमेंटेड मकान बना दिए यहाँ पे भी। और इधर की बात की जाए तो इधर बन रहा था भाई खाना, ये देखिए भाई टेंट लगाया है। और चलिए जी बाकी फोटो शूट भी हो चुका है यहाँ पे। अब है भाई मेहमानों की जाने की बारी, अभी सगुन का लिफाफा लगेगा उसके बाद निकलते हैं भाई सीधा देहरादून के लिए। सारे लोग बैठे हैं अभी
ये आ गए भाई पिठाई की थाली, पंडित जी आ गए और बाकी मेहमान सारे यहाँ पे बैठे हैं। चलिए जी फाइनली सोन का लिफाफा भी मिल गया भाई। बाकी चलिए दोस्तों अब हो गया जाने की तैयारी। देखिए भाई सारा सामान सामान ले लिया सबने अपने अपने बैग और अब निकलते हैं भाई सीधा कहाँ के लिए उठाते रहो चल।